हेलो दिस इज चिराग एंड वेलकम टू वैनी डॉ इवेंस वैनी डॉट इवेंस एक ऐसी वेबसाइट है जो वेडिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आपको परफेक्ट वेन्यू फिल्टर करके देती है पैन एंड फिल्टर्स के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे वेन्यूज के हॉल साइज सीटिंग स्टाइल सीटिंग कैपेसिटी विद इन थर्टी सेकेंड्स विदाउट एनी इंट्रैक्शन सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज़ कभी ना मिस कर सके Let's meet uh, Samir Babel, uh, the veteran of the event industry with an experience of 23 plus years in this industry. His company name is Sam Movies and Entertainment, which is also a 23-year-old company. He is currently the president of a very prestigious association named as AEE, All Event Entrepreneurs. He is currently also representing and is the stakeholder. Uh, in the upcoming Rajasthan tourism policies. So let's meet Mr. Samir Babel. Hello. Hi, sir. G. How would you describe the origin uh, story of your company? हम लोग 2001 में हमने हमारा करियर स्टार्ट किया so, 2001 से अब हम 2024 में हम आ गए हैं स्टार्टिंग में हमने 2001 में एज एन आईटी सॉल्यूशंस फॉर द इवेंट इंडस्ट्री स्टार्ट किया नाउ हम एक होल, पूरा इवेंट का एक होलिस्टिक प्लानिंग हम करके दे रहे हैं यू टू तो 2001 में जब इंडस्ट्री आई इंडस्ट्री इतना स्टार्ट हुआ तो था कि बहुत बहुत जल्दी से ग्रो होगा सबके पास टाइम नहीं होगा तो हमें लगा कि इवेंट इंडस्ट्री मतलब दिस दिस टाइम मैनेजमेंट सो कॉल लेटर ऑन ये इवेंट मैनेजमेंट में हो गया तो वे स्टार्टेड दैट वे तो दैट वाज द मेन मोटिव कि हम आ, अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज़ एन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और वहाँ लगा कि अब जब जहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होएगा तो ये बहुत अच्छा 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 वेंचर है एंड तब हमें समझ में आ गया कि लोगों के पास टाइम नहीं होगा तो उस वक्त इवेंट इंडस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो वो विजन में था कि ये एक बहुत बड़ा वेंचर होने वाला सो दैट दैट मोटिवेट अस कि मैंने अपनी जावा प्रोग्रामिंग छोड़ के मैं फिर इवेंट मैनेजमेंट में आया सो आई मीन अगेन सिंस यू हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 23 प्लस इयर्स इन दिस इंडस्ट्री यू माइट हैव हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर अर्ली इयर्स सो आई मीन कैन यू प्लीज एलैबोरेट दोस चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम सो दैट कैन बी a very हमारा जो एरा था जब when वी started our करियर तो उस टाइम पे इट वॉज लैक ऑफ resources, कुछ resources नहीं थे तो हम लोगों ने अपना uh, meticulous प्लानिंग और सीमलेस uh, एग्जीक्यूशन हमारा एक मोटिव था कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं और बहुत उसको सीमलेसली जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा एक फंडामेंटल पार्ट रहा इन तेईस सालों में एंड वी डड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड इवेंट्स सो हम एसोसिएट रहे ट्वेंटी थाउजेंडें बींग में कॉमनवेल्थ गेम में भी आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम और प्रवासी भारतीय दिवस राजस्थान में अगर हम बात करें तो रिसर्ज इन राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी प्रेस्टिजिश हुए लिटरेचर फेस्टिवल आई मैं दस साल मैंने उनके साथ स्टार्टिंग में फेस में स्टार्ट किया तो राजस्थान की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट नहीं होगा जिसका मैं पार्ट नहीं रहा हूँ सो अवर कंपनी क्योंकि हम बहुत अच्छी प्लानिंग करते थे और वी वर रेडी विथ ऑल द प्रॉब्लम्स एक बहुत अच्छी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो हम बहुत अच्छा उसको प्लान करते मतलब तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते और उसका लोग बोलते हैं कि प्लान बी क्या है आपका तो मेरा कोई प्लान बी नहीं है कभी सो माई प्लान ए कंप्राइज ऑफ ए बी एंड सी ऑल प्लान्स तो हमारे पास कभी प्लान बी नहीं होता ऐसे हम 23 इयर्स से हम काम करते ट्वेंटी सो व्हाट इज पर्सनल अप्रोच टू बिजनेस लीडरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड हाउ डिड इट इवॉल्व इन जर्नी ऑफ 23 इयर्स सो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि वी वर्क ऑन एन होलिस्टिक अप्रोच कि आप अपने साथ साथ ना सराउंडिंग को भी इतना स्ट्रांग कर लीजिए तो जब सराउंडिंग आपकी स्ट्रांग होएगी अब सराउंडिंग स्ट्रांग कैसे होगी जब तक आप अपनी नॉलेज शेयर नहीं करोगे सो बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट तो मुझे हमेशा मालूम था कि हीलियम गैस जो होती है ना एलिमेंट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन ऑन द अर्थ सो माय अप्रोच इज ऑलवेज हीलियम अप्रोच कि जो आपने सीखा नीचे पास ऑन कर दीजिए तो जितना आप हल्का होंगे उतना बढ़ोगे और फिर आप नई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करो नया सीखना स्टार्ट करो और दैट दैट अ वे यू नो जो सीखते गए वो सिखाते गए और हम आगे बढ़ते चले गए सो आई स्टार्टेड विद यू नो इंडिविजुअल एज एन एक ही बंदा था मैं कंपनी में आज मैं डेढ़ सौ लोगों की ऑन बोर्ड मेरे साथ टीम है क्योंकि मैं जो सीखता हूँ मैं सिखाता हूँ और उनको छोड़ के मतलब उनको मॉनिटर करते हैं एंड फिर कुछ नई चीज़ सीखने में लग जाते हैं सो दिस इज़ वॉट अवर अप्रोच और आज मोर देन 20 साल हो गए जो टीम हमारे साथ मेंबर हैं और सारे लोग एक साथ प्रूव कर रहे हैं सीन so, यही चीज़ हमारे साथ हमारे वेंडर्स के साथ हमने उनको टेक्निकली भी अपग्रेड किया उनको फाइनेंशियली भी अपग्रेड किया और एक एक, एक इस हॉलिस्टिक अप्रोच से हम बहुत अच्छा ग्रोथ किया और दिस इज़ वॉट माई नो विजन ऑल्सो कि जब तक आप हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं रखोगे तो अच्छा नहीं होगा सो एज एन एक्टिव वर्किंग पर्सन एंड ऑल्सो एज एब्जर्वर हाउ डिड कस्टमर प्रेफरेंस चेंज्ड ओवर द लास्ट टू डिकेट्स इस जनरेशन के पास ना अगर आप डिकेट्स की बात करें तो पहले लोगों के पास बहुत समय था अब लोगों के पास समय नहीं है तो लोग हम जैसी प्रोफेशनल एजेंसीज को हायर करते हैं कि आप अच्छा तो हमें डिलीवर करेंगे प्रोफेशनली डिलीवर करेंगे और रिजनेबल करेंगे सो so ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पहले क्या होता था कि जब शादी होती थी ना तो घर के सारे काम मामा चाचा फूफा मासा जी ये लोग करते थे बट छ सब सब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनके पास ना मामा हैं चाचा हैं तो वेडिंग में वो वो हमारे अंदर वो अपना मामा चाचा वो ही हमें ढूंढ रहे होते हैं सो हम इसलिए बहुत बड़ा स्कोप है न्यूक्लियर फैमिली होने से हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा ग्रोथ सो है वी वर टॉकिंग अबाउट वेडिंग इंडस्ट्री एज वी कैन सी नाज पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन इज देर इन दस्टमर्स माइंड सो हाउ डू यू एंड योर कंपनी अप्रोच कस्टमाइजेशन फॉर क्लाइंट्स। सो अभी जो वेडिंग इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है जितने भी जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं उन सब का जो थॉट प्रोसेस है वो सोशल मीडिया से बना है और उस सोशल मीडिया में मेनली जो उनकी थॉट प्रोसेस बन रही है वो वेस्टर्न कल्चर को देख के उनकी थॉट और उनका डिज़ाइन सेंस उस मतलब दे आर वो सोचते हैं कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्योंकि वहाँ की फ़ोटोज़ और उनका बहुत अच्छा फोटो शूट किया हुआ है सिंस इंडिया में ये अभी नया ट्रेंड है तो लोग अपनी थॉट प्रोसेस वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को लेके हमारे साथ जब शेयर करते हैं सिंस हम लोग भी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं हम अपडेटेड हैं कि क्या नया ट्रेंड चल रहा है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है तो वो वेस्टर्न जो उनकी थॉट प्रोसेस है और जो डिज़ाइन सेंस है उसको कैसे इंडियन कल्चर इंडियन वेडिंग में जो प्लान होता है सो so हम उनको वो सजेस्ट करते हैं और देन उसको इंडियन कल्चर के हिसाब से उनके रिलीजियस इस पॉइंट ऑफ व्यू से या सब 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 हर रिलीजन uh, का वेडिंग का स्टाइल अलग है उनके रिचुअल्स अलग हैं और कैसे उस डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट करें सो so, हम वो उनको सजेस्ट करते हैं एंड वेर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड वी आर यू नो हम उसको बहुत इम्प्लीमेंट भी अच्छा कर पा रहे हैं तो, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और हमें मालूम है कि क्लाइंट क्या चाहता है और हमें वो सब चीज़ें मालूम है तो हम बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लन uh, भी कर पाते हैं और कन्विंस भी कर पाते हैं एंड uh, बहुत अच्छे से हो रहा है बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम मतलब मैं एक एग्जाम क्लाइंट के हम वेडिंग कर रहे थे उनकी दुल्हन थी दुल्हन बोलती है कि मुझे तो आ, मतलब ब्राइड एंड ने बोला हमें तो रोम अराउंड करना है हमें कोई रिसेप्शन स्टेज नहीं चाहिए तो पूरी फैमिली से वो कन्विंस uh, ही नहीं हो रही है तो डिज़ाइन आस्पेक्ट ठीक था हमने बहुत अच्छे से समझाया फिर हमने उसको बोला कि आपको पता है इंडियन कल्चर में हम जब शादी का बेस जिसको कहते हैं मैंने कहा वो खुद पैंतीस किलो का होगा और उसका वेट ही करीब साठ किलो का था मैंने कहा तुम साठ के बीच पैंतीस किलो का बेस लेके तू पूरे घूमेगी कैसे जब उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया तो शी वॉज रेडी फॉर अ रिसेप्शन स्टेज और फिर हमने रिसेप्शन स्टेज बनाया और फैमिली वॉज ऑल्सो हैप्पी कि भी आप, आप हम भी उसको लॉजिकल कन्विंस कर पाए क्योंकि हम ट्रेंड से अपडेटेड थे कि वे ठीक के ये कहाँ से किस रेफरेंस से आई हैं और उसको इंडियन कल्चर में कैसे कन्वर्ट करना है एंड वी डिड इट एंड द फैमिली इज़ गुड हैप्पी और वी गॉट फोर मोर वेडिंग्स फ्रॉम दू अगैन एज पर माई ऑब्जर्वेशन यू एंड योर कंपनी इज वेरी वर्सिटाइल एंड यू गाइज आर दी एक्सपर्ट ऑफ दी वेडिंग इंडस्ट्री द कॉपोरेट इवेंट इंडस्ट्री एंड द ट्रेड शोज सो आई मीन वॉट रोल डू यू सी दैट द कॉपोरेट इवेंट्स वुड बी प्लेंग इन द फ्यूचर फॉर ब्रांड बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग सो कॉरपोरेट्स इवेंट बहुत अच्छा एक नेटवर्क है क्योंकि yeah. uh, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज आर टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे 250 फिफ्टी होटल्स ने पार्टिसिपेट किया है तो फॉर 250 फिफ्टी पीपल टू फिफ्टी होटल्स को एक जगह एक प्लेटफॉर्म में दो दिन में मीटिंग करना बहुत ईजी है सो so, ये नेटवर्किंग और इस तरह के जो इवेंट्स हैं इवन यहाँ पे जो 1000 थाउजेंड टूर ऑपरेटर्स आए हैं 1000 थाउजेंड टूर ऑपरेटर्स टू फिफ्टी होटल्स एक दिन में मीटिंग और ये ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मीटिंग्स करना इज वेरी ग्रांड फॉर और हमें तेईस साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए तो हम अपने आप को इसमें एक्सपर्ट मानते हैं कि हमने इतने साल काम करने के बाद हमें वी हैव दैट स्ट्रेंथ कि हम इस तरीके के नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और आ, हमेशा जैसे हमारी कंपनी की आ, जो पॉलिसी रही है कि हॉलिस्टिक अप्रोच से हम बिजनेस अच्छा कर सकते हैं सो so, उसी उसी नो you डायरेक्शन know, में जब हमने हमने यहाँ 250 लोगों को 250 फिफ्टी होटल ये वन थाउजेंड लिए तो मेरे एज एन एज एन कंपनी ऑल्सो सैम्बूवी से ऑल्सो हमारे पास साढ़े बारह कस्टमर एक ही दिन दो दिन में हमारे पास यहाँ हैं वी हमने हमारा काम अच्छा किया वी शोड अवर वर्क टू दैम ऑल्सो तो इन वन, वन शो साढ़े बारह सौ क्लाइंट के ऊपर हमने इम्पैक्ट डाला और यही एक अच्छी अप्रोच है और तो तेईस साल के बाद हमें समझ में आया कि जब तक सबका ग्रोथ नहीं होगा हमारा भी ग्रोथ नहीं है सो दैट इज वॉट वी डू और ये होना चाहिए और हॉलिस्टिक अप्रोच से ही सबकी ग्रोथ हो सकती वुड so, uh, Uh, want to know what do you think? What are your predictions uh, for the industry's growth and evolution over the next decade? So हम इस वक्त एक टेक्नोलॉजी के इरा में जी रहे हैं सो so, यहाँ पे एज एन इवेंट प्लानर या जो भी न्यू इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए और इतनी टेक्नोलॉजी है तो सो so, एक तो एक एक्सपर्ट होना चाहिए मतलब उनको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सुनना समझना चाहिए उनको आना चाहिए और जो प्रीवियस जो पुराने लोग जो काम करें उनको एडवांसमेंट लाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में सेकंड मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सस्टेनेबिलिटी का है तो सस्टेनेबिलिटी सेंस हम एक ऐसे मतलब सस्टेनेबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है सो so, जो भी इवेंट हम प्लान कर रहे हैं अगर वो सस्टेनेबल है तो इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना भी चाहिए और उन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्लाइंट uh, का जो पर्सनलाइजेशन है उसकी जो थाट प्रोसेस है हमें वो बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हम सस्टेनेबिलिटी पे हमने ध्यान रख लिया लेकिन अगर हमने क्लाइंट के पर्सनलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया ना तो क्लाइंट आपका नहीं होगा सो फॉर एन न्यू बिगनर अगर हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होना चाहिए नेचर के लिए तो डेफिनेटली यस yes, उनको सस्टेनेबिलिटी के ऑप्शन ढूंढने चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट की चॉइस और उसका पर्सनलाइजेशन अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो क्लाइंट अब कभी भी आपका सेटिसफाई नहीं होगा सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्सनलाइजेशन जो डिमांड है उनकी उसको प्लान कीजिए उसको डिज़ाइन कीजिए उसको एग्जीक्यूट कीजिए सेकंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और थर्ड सस्टेनेबिलिटी इफ़ यूल टेक थ्री पॉइंट्स यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट So, thank you so much, sir. It was an honor being here with you. Thank you. It was my pleasure. And it was a great time and great talking to you. Thank you.